हमने कल एक खुलासा किया था, वी हैड डन एन एक्सपोजे यस्टरडे, और हमने तीन लोगों से सवाल पूछे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे थे, सेबी की चेयरपर्सन से सवाल पूछे थे और आईसीआईसीआई बैंक से सवाल पूछे थे। इनमें से कौन मोहरा है और कौन खिलाड़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक मोहरे का जवाब आया, आईसीआईसीआई का जवाब आया। उस बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि उस जवाब से और सवाल खड़े हो जाते हैं। उस जवाब ने हमारा काफी काम आसान कर दिया। इस पूरे घोटाले का एक परत और खुली इस जवाब से। दे हैव हेल्प्ड अस इन अनलेयरिंग दिस एक्सपोजे इवन फर्दर। तो आईसीआईसीआई कहता है कि माधवी बुच जी को, जो उनका कार्यकाल था आईसीआईसीआई में, उसका रिटायरल बेनिफिट मिला, तनख्वाह नहीं थी, ये सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उनको पैसा देना था वो था। अब मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो टेबल खोलें, क्योंकि वो टेबल बहुत कुछ बताता है। इसको थोड़ा, आपको दिख रहा है ये टेबल अच्छी तरह? नहीं, यहां से पीछे दिख ही रहा। तो आप देखेंगे कि माधवी बुच जी आईसीआई से रिटायर हुई और उस वक्त उनको कुछ ग्रेच्युटी मिली। टेबल में आप देखिए 71,90,000 2013-14 में उनको ग्रेच्युटी मिली। उसके आगे लिखा हुआ अलाउंस ग्रेच्युटी फंड। 2014-15 में 5,36,08,825 रुपए, ये हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि ये रिटायरमेंट कम्यूटेड जो पेंशन है ये उनको मिल गई, चलिए मान लिया। उसके बाद मुझे एक बात बताइए कि किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट के पश्चात हर साल पेंशन का अमाउंट बदलता रहता है क्या? बीच में बंद हो जाता है क्या और फिर से शुरू हो जाता है क्या? कभी हुआ ऐसा? मैं बताता हूं कैसे हुआ। यहां अगर 2014-15 में सब सेटलमेंट हो गई आईसीआईसीआई की और माधवी बुच जी की, और 2015-16 में उस टेबल में आप देखिए कि उनको वहां से कुछ नहीं मिला, नो सैलरी लिखा हुआ है, तो फिर 2016-17 में फिर से क्यों मिलनी शुरू हो गई? ये ऐसी कौन सी पेंशन है? सेटलमेंट हो गया, 5 करोड़ के लगभग आपने दे दिया, ग्रेच्युटी आपने दे दी, फिर आपने देना बंद कर दिया, लेकिन 16-17 में फिर से शुरू कर दिया, ये बड़ी चमत्कारिक पेंशन है, फिर से मिल गई। ना केवल इतना, अब मैं आपको इस टेबल पे फिर से देखने को कहूंगा। इस टेबल में आपको 2007 से लेकर और 2013-14 जब तक वो आईसीआईसीआई में थी उनकी तनख्वाह दिखाता हूं। एवरेज अगर आप इसकी निकालेंगे, इफ यू टेक आउट द एवरेज सैलरी, एनुअल सैलरी ऑफ माधवी पी बुच जी व्हेन शी वाज इन द आईसीआईसीआई बिटवीन 2007-08 एंड 2013-14, द एवरेज कम्स आउट टू बी 130 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। और पेंशन का एवरेज कितना है साल का? 2 करोड़ 77 लाख। कौन सी ऐसी नौकरी है जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा है, डबल से ज्यादा? ये तो हमें मालूम ही नहीं था, ये तो कल आईसीआईसीआई के जवाब जब आए तो रिसर्च की। पेंशन से ज्यादा तनख्वाह होती है, हमने बचपन से सुना था। तनख्वाह से ज्यादा पेंशन न्यू इंडिया में आने लग गई, कुछ लोगों को मिलती है, उसके लिए आपको मोहरा बनना पड़ता है, उसके लिए आपको प्यादा बनना पड़ता है। हम इस बात का जवाब आईसीआईसीआई से हमें कोई गुरेज नहीं है, वो दे दें हमें कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि माधवी पी बुच जी ये टेबल देखेंगी और जवाब देंगी कि ये 16-17 को फिर से पेंशन क्यों मिलनी शुरू हो गई, तथा कथित पेंशन, द सो कॉल्ड पेंशन। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वही साल है जब वो सेबी में होल टाइम मेंबर बन गई थी,
तो जब सेबी में वो होल टाइम मेंबर बन गई तो फिर से तथाकथित पेंशन मिलनी शुरू हो गई, और पेंशन कितनी, 2,77,00,000 औसत एवरी ईयर। तनख्वाह कितनी थी, मैं फिर से दोहराता हूं, 1,30,00,000 सालाना औसत तनख्वाह 2007-08 से लेकर और 2014-15 तक। ऐसी नौकरी हम सबको भी मिलनी चाहिए जहां पेंशन तनख्वाह से ज्यादा।